ये सब काम भी करना पड़ता है, बहुत डेंजरस है ये। समोर गाड़ी बड़ी आली तो चाहे आईला तो फिर रोड कंडीशन अच्छा है अंकल, और टायर स्लिप हो रहा है आगे का। उतना आपको खुद को सेल्फ कंट्रोल करने आ गया ना बस, बिकॉज उस रोड से 70-80 किलोमीटर बच जाते हैं आपके। तो कभी मैं संस्कार में हूँ लद्दाख में हूँ, संस्कार में हूँ लद्दाख, ऐसे इसको डेडलीस रोड नहीं बोलते हैं। सो आ गए हमारे दोस्त। ओह शिट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय चैनल, दैट इज सागर्स लाइफ, आवर चैनल नेम। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम पादुम एंड दिस इज द डे 4 ऑफ आवर राइड। आप सभी को पता है हमने एंटर किया था संस्कार फ्रॉम कारगिल साइड एंड देन हम यहां पे पहुंचे हैं पादुम। आज हमारा डेस्टिनेशन है फ्रॉम पादुम टू ले वाया न्यू लिंगशेड रोड, जो जस्ट नया नया ओपन हुआ है, तो वो हम ट्राई करेंगे। वो रोड बहुत डेडलीस बोला जाता है, एकदम एक्सट्रीम ऑफ रोड नहीं रहेगी। अगर आपने हमारा लास्ट व्लॉग देखा रहेगा तो उसमें जो हालत हुई वो तो कुछ नहीं उसके सामने, इसमें तो और हालत होने वाली है। कोई नहीं, भगवान का नाम लेके अपनी राइड शुरू कर देते। इट्स मॉर्निंग 6 o'clock, सो बाइक इज ऑल सेट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो लगेज देख लीजिए कितना सारा है हमारा, एंड कल मेन स्टैंड को जो मैं बोल रहा था कि आवाज़ हो रहा है तो थोड़ा उसको टाइट कर दिया और लूप कर दिया, तो अभी नॉइस बंद हो गया है। आज तो एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग होने वाले, कल से तो दुगनी, तो क्या होता है देख लेते हैं। तो रात को यहाँ पे टेम्परेचर था 7 डिग्री सेल्सियस, अभी देखते बाइक स्टार्ट होती कि नहीं इन फर्स्ट क्राइंग। ओह क्या बात है, ब्यूटी मैन, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि फर्स्ट क्राइंग में हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई लव यू मैवरिक। 6:16, 5 मिनट है, थोड़ा डिस्टेंस है 289 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर, जिसके लिए गूगल 9.5 घंटा बता रहा है यहाँ से, और उसमें होने वाली है ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स की ऑफ रोड, एक्सट्रीम ऑफ रोड। फ्रंट साइड अभी तक ऑक्स लाइट तो हम लोग ने यूज़ नहीं की है। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हेलो पादुम, गुड मॉर्निंग। टाइम की शॉर्टेज है, इतने दिन है नहीं हमारे पास, सो हम नहीं रुक पा रहे यहाँ पे। होटल इतना खास नहीं है बॉस। एक अलग ही चीज़ यहाँ पे मुझको देखने मिली, इंडियन जो टूरिस्ट है वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जो फॉरेनर थे उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। 8:30-9 बजे तक पेट्रोल पंप यहाँ पे खुल जाता है। एक पेट्रोल पंप आपको पादुम टू ले वाले रोड पर भी मिलेगा, और दूसरा पेट्रोल पंप आपको कारगिल टू पादुम वाले रोड पर भी मिल जाएगा। इट्स ऑलवेज बेटर रात को ही फिलअप करके रख दीजिए, सुबह अगर पेट्रोल नहीं मिला तो हालत ख़राब हो जाएगी। और मिनिमम अगर आपकी बाइक की रेंज 320-340 है ना, तो आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी तो 400 तक जाती है। सस्पेंशन लेवल मैंने 4 पे कर दी है एडजस्ट करके, कल देखते हैं आज कैसे परफॉर्म करता है बाइक। सो मच ऑफ लगेज। सो यहाँ से 30-35 किलोमीटर झांगला पैलेस तक रोड अच्छा है, आप भगा सकते हो। बस उसके आगे एक्सट्रीम ऑफ रोड चालू हो जाएगा। झांगला पैलेस में आपका चेक पोस्ट में नाम और एंट्री देना पड़ेगा आपको। वाइल इंटरिंग पादुम कुछ एंट्री नहीं है, जैसे हम लोग ने एंट्री कराई थी इन कारगिल शंकु, बस वहीं पे एंट्री कराई। देखियो 6 बजे इतना ऊपर आ गया सूरज भाई साहब, क्या रोड बनाया यार, क्या व्यू है, क्या नेचर है, एक नंबर यार। ये देख लीजिए व्यू, ब्यूटी मैन ब्यूटी। सो आज भी हमने पहने राइनॉक्स के वाटर प्रूफ सॉक्स, कल उसने कमाल कर दिया यार। तो इतनी सारी वाटर क्रॉसिंग में पानी ज़रा सा भी पैरों को नहीं लगा, क्योंकि एक बार आपके पैर को पानी लग गया ना, पूरा ठंडे ठंडे हो गए ना, तो सर तक ठंडी घुस जाती है बॉस। वेलकम टू खुमिक, थैंक यू। सो आज हम एक्सप्लोर करने वाले न्यू रास्ता फॉर मीरक, सो रास्ता हम एक्सप्लोर करेंगे। तो कल ही हमको पता चला था रंगदुम में ये रास्ता है, और कल हमने जिस होटल में रहे थे वहाँ पे भी टूरिस्ट आए थे कल, वो भी बोले कि वो रास्ते से जाओ, बहुत अच्छा रास्ता है, उस रास्ते से जाएंगे, कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। तो ये लिंगशेड वाला ले का रास्ता तो बहुत लोगों ने एक्सप्लोर किया है, तो हम कुछ नया ट्राई करेंगे और आप लोगों को भी दिखा देंगे, तो आपको भी हेल्प हो जाएगी, बिकॉज उस रोड से 70-80 किलोमीटर बच जाते हैं आपके, और 2 घंटे बच जाते हैं। तो इफ़ इनके आप भी प्लान करते हैं इन फ्यूचर फॉर संस्कार आइडिया, देखिए पेट्रोल पंप, बट कोई नहीं है, देखिए कोई नहीं है वहाँ पे। तो दैट्स आई रिक्वेस्ट यू, रात को ही फिलअप करा के रख दीजिए। और ये बहुत दूर है यार, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर बाहर आ गए हम लोग, ऐसी जगह पे पेट्रोल पंप रखा है, क्या बात है। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आप श्रीनगर से आते हो टू पादुम, रोड एकदम घटिया है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लास्ट व्लॉग देख लेना इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब आपको आइडिया आ जाएगी। स्ट्रेट 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 रोड, क्या मज़ा आ रहा है यार। अगर आप पादुम में स्टे करते हो तो झांगला पैलेस, शीला वाटरफॉल, पादुम मोनेस्ट्री एंड पादुम मार्केट, इतने सारे ऑप्शन है, एक दिन रह जाना यार, बिकॉज आप इतनी ऑफ रोड करके थक जाते हो, फिर यहाँ पे रेस्ट लेना बनता है। सो इट्स 6:54 एंड वी हैव रीच झांगला सिटी। झांगला पैलेस वहाँ पे ऊपर है, वो देख लीजिए,
ऊपर की तरफ, यहाँ पे है चेक पोस्ट, यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी आपको। इसके बाद चालू होगा एक्सट्रीम ऑफ रोड। अभी रोड कैसा कंडीशन है? ठीक है, बोल रहे हैं मीरा के यहाँ पे एक नया रोड खुला हुआ है, वो तो हमें भी नहीं पता। एंट्री कैसा है आगे? हाँ ठीक है। वो नया वाला रोड का कुछ आइडिया है? मिराक यहाँ का रोड अच्छा है कंडीशन? अच्छा है, रोड अच्छा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से आप अलाव कब तक करते हो? रात के 9-10 बजे तक। पब्लिक जाती है रात के? वही तो, फिर रोड कंडीशन अच्छा है अंकल? क्या बात है, आप इतना कॉन्फिडेंस से बोले तो मेरा जिगरा बढ़ गया मेरा। अच्छा है, तो जो भी पब्लिक वहाँ से आ रही है आपको अच्छा रोड करके बता रही है। ओके अंकल, थैंक यू। सो ये है चेक पोस्ट, सो ये है संस्कार और ये है लद्दाख। सो अभी मैं संस्कार में हूँ, लद्दाख में हूँ, संस्कार में हूँ, लद्दाख में हूँ। सो यहाँ से रोड कंडीशन अंकल तो बोल रहे अच्छी है, लेट से क्या होता है। सो आ गए हमारे दोस्त, कुछ है नहीं यार खाने को, नहीं तो इनको दे देता था, सिया को अच्छा लगेंगे ये। अजुन एक आलम मागून तला अटला खाला देते मन। वी आर ऑल सेट फॉर रियल एडवेंचर। जब अंकल ने बोला ना बहुत अच्छा रास्ता है, जाओ बिंदास, रात को 9 बजे भी गाड़ियाँ छोड़ते हैं, सही बोला, दैट मीन रोड कंडीशन तो अच्छी हो गई है एंड 7 घंटे में पहुंच जाएंगे बोल रहे अंकल। यहाँ से गूगल ने 9 घंटा बोला था। ओहो ये देखो, यहाँ से हो गया एडवेंचर चालू। सो अभी मैं करता हूँ बाइक को ABS ऑफ रोड। 7:17 को ऑफ रोड स्टार्ट हुई अपनी, 804 किलोमीटर हुए फॉर रिकॉर्ड्स। रोड तोड़ के इतनी बड़ी बना के तो रख दी है। यहाँ पे आपको ना एकदम नुकीले नुकीले पत्थर मिलने वाले, तो टायर को बहुत संभालना पड़ता है। आगे तो अलग अलग शेप के रहेंगे, और यहाँ पे टायर गया तो आप गए, कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो बाइक कम्प्लीटली टो करके लेके जाने पड़ेगी, वो भी कैसे करोगे, लोकल वाले को पकड़ना पड़ेगा, वो यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, डोंट नो 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 नो, ये सब इमेजिनेशन में नहीं जाते, कॉन्सेंट्रेट ऑन रोड। ऐसे इसको डेडलीस्ट रोड नहीं बोलते हैं। ये देख लीजिए पत्थर कैसे हैं, इंजन ब्रेकिंग यूज़ करना है फर्स्ट गियर में डाल के, और ये स्लोप है। ओह कुछ अच्छा देखने मिला, संभाल के वापस फर्स्ट, एकदम धीरे चलाई है दोस्तों। कुछ कुछ पब्लिक को मस्ती रहती है कि फास्ट लेके जाए ऑफ रोडिंग, वो करते वक्त आपको मज़ा आएगा, बट आप बाइक को डैमेज कर रहे हो, इतना ध्यान में रखिए। आगे जाके कुछ ना कुछ तो काम तो निकलेगा, तो ये जल्दी का काम करने वाले का रास्ता नहीं है दोस्तों। ये संस्कार के टेरेन में पेशेंस बहुत होने चाहिए, थोड़े टाइम के बाद आप चलाने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, जी हाँ, मन होता है कि भगाओ करके। उतना आपको खुद को सेल्फ कंट्रोल करने आ गया ना, बस देखिए काम चालू है। सो जिसको इसको ऑफ रोड करना है भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ, अगले साल तक रोड भी बन जाएगी, 1 साल में तो नहीं बनेगी, टाइम तो लगेगा। ये ना आपको दिखने में ना गोप्रो में स्टेट दिखता रहेगा, ये स्टेट नहीं है, दिख रहा है मेरा हैंडल, फ्रंट सस्पेंशन कितना नीचे जाके ऊपर आ रहा है, तो ऐसे नीचे ऊपर ऐसे रोड है, घोपरों नहीं इतना जस्टिस करता रहेगा आई एम श्योर। ये देख लीजिए अभी अलग ही टेरेन आ गया, इंजन ब्रेकिंग यूज़ कर सकर, चढ़ाई एकदम इजी है दोस्तों, एकदम इजी है, उतरन बहुत डिफिकल्ट है, पूरे आपके हाथों के ऊपर वजन आ जाता है, शोल्डर्स के ऊपर, और पीछे का पिलियन रहेगा तो उसका प्लस, तो इसीलिए विथ पिलियन डबल सीट इस नॉट इजी ऑन संस्कार, मोड़ा में करना है तो करना है। आगे क्या डाली है, रेत, संभाल के दोनों भी पैर नीचे, ओ शिट नको नको, बस फक्त ते वजनामुळे टायर आतमध्ये जातो आहे, ती वरच्यावर टाकली आहे, ओ शिट। तुला बघ आता कसे वेगवेगळे शेपचे डोंगर भेटतात, कलर लेअर बघ, हेच तर बघायला येतात लोक,
सॉरी दोस्तों, इफ इन केस ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसको दो पार्ट में कट करूँगा, बट आई वॉन्ट टू शो यू एज रॉ एज पॉसिबल जो एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ, आपको भी थ्रू वीडियो आना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। ओह परताली सैंड, ये तो एकदम ओह शिट, ये तो एकदम डिफिकल्ट है। चल रे चल रे, गाड़ी तो चेतीच चल रही। अभी आगे दो स्कॉर्पियो गई, दोनों के अंदर फॉरेनर बैठे थे। मैं बोला यार फॉरेनर को बड़ा अच्छी इंटरेस्ट है संस्कार में। कल होटल में भी हमारे कंप्लीट फॉरेनर्स ही थे, इंडियन ज़्यादा प्रिफर करते नहीं यहाँ पे आने को अदर देन बाइकर्स, बट फॉरेनर को देखो वहाँ पे बैठ के ये सब जगह का इंफॉर्मेशन लग जाता है। क्या स्टीप है यार ये उतरन, एकदम स्टीप उतरन है, और आगे की चढ़ाई देखो। ओ शिट, मुझे लगता है गोप्रो में आपको एकदम सीधा दिखता रहेगा, सीधा नहीं है दोस्तों, ये ऐसे ऐसे 70-65 डिग्री में है। हड़ो हड़ो हड़ो, ओ शिट, त्या साइड लाना जाए जैसा कर गाड़िया साइड लगे उस तरफ लेता हूँ मैं, डेंजरस था, अभी मेरा टायर उधर जा रहा था, कुछ नहीं कर पाऊँगा, ब्रेक ही नहीं लगेंगे तो वो टायर स्लिप हो रहा है आगे का, डायरेक्ट खाई में। सबसे बेटर राइट साइड से ही चला है, देखिए 20 प्लस स्पीड है, एक्सलेटर नहीं दे रहा हूँ, क्लच भी छोड़ा हुआ है, उससे आपको आइडिया जाएगा कि ये कितना स्टीप है, अपने आप ही स्पीड पकड़ रही है बाइक, क्लच दबाऊंगा तो ये 40 तक जाएगी। क्या डेंजरस है, देखिए कितना पास में है यार, ओ शिट, यहाँ पे ज़रूरत है बड़े रास्ते की, एकदम लक्की है रास्ता। अभी चढ़ाई चालू, चढ़ाई में ना इतनी तकलीफ नहीं होती है, उतरन में हालत ख़राब हो जाती है। मैं भाई कोई नहीं कोई नहीं, कल भी तूने किए थे ऐसे फर्स्ट सेकंड गियर में मोर देन 100 किलोमीटर्स, आज भी तेरे को 150 कुछ करने हैं, हो जाएगा। एकदम जवळ होने ना, कधी पण जाऊ शकता नहीं, ते खड़ी है तिकड़े, ती लूज है एकदम, तो समोर समोरून गाड़ी बिड़ी आली तो चाहे आईला वाट लगेल। ये देखिए सामने की रास्ता ही नहीं दिखता है, इस तरफ ही जाऊंगा उस तरफ नहीं जाऊंगा, भले बड़े बड़े पत्थर हो चलेगा, बहुत डेंजरस है ये। ओह नहीं, यहाँ पे टाइम लगेगा दोस्तों, ये पूरा माउंटेन कट करना पड़ेगा, तो है 5 साल जो मैंने बोला था, 5 साल में बन जाएगा यार रोड। सो ये सामने के टेरेन देख लीजिए अभी क्या आ गया, पूरे पत्थर के किपचे। ओ शिट ओ शिट ओ शिट, हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर से, क्या बात है, ब्रिज आ गया। सागर वो साइड जाना है, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, वो साइड किलिम्मा ब्रिज ऑन राजीव सिंह। ओह फक, क्या दिख रहा है, ओके पानी नहीं है, क्या ये पत्थर से यार, अलग ही है, एकदम अलग टेरेन है ये, ये देख लीजिए स्नेक और जो एंड जो घर बनाती है उसकी जैसा ही है यार ये, ऊपर ऊपर की तरफ के लेयर। होप गोप्रो में से क्लियर दिख रहा है, ये वो नीचे की तरफ भी देख लीजिए, कम्प्लीटली अलग, उधर के एकदम पत्थर एकदम हार्ड स्टोन के माउंटेंस दिख रहे हैं, पर ये देखिए कुछ अलग ही है, मिट्टी से बने स्टोन ऐसे लग रहा है। पानी नहीं है नीचे, ओ शिट क्या डीप है यार, ओ भाई भाई भाई, आपको आगे लेके दिखाता हूँ, वैली एकदम डीप है, वो देख लीजिए नीचे दिख रहा है आपको पानी, शेट एकदम नीचे ऑलमोस्ट। मैं अभी करंटली रहूँगा 20 से 19 वाले माले वाली बिल्डिंग में, इतना डीप है ये नीचे। चलते भाई चलते, अगेन अपना एक्सरसाइज,
MTC ऑफ। सो फ्रेंड सडनली ये अच्छा वाला रोड आ गया यार। अच्छा बोले तो थोड़ा बहुत ख़राब है बट टार रोड है, पुराना हो गया है। क्या व्यू है यार, एक नंबर। कुछ एनिमल वगैरह नहीं दिख रहे यार, स्नो लेपर्ड ऐसा कुछ रहेंगे ऊपर से हमको देखते रहेंगे। याक वगैरह बहुत दिखते हैं, बफेलोस। ओ शेट, ये आ गया है हेयर बैंड पिन। ज़्यादा उधर नहीं जाना है मुझको। ओ शेट, क्योंकि उधर जाऊंगा तो डायरेक्ट मैं नीचे जाऊंगा। टर्न मार लिया यार, वरुण डायरेक्ट मैं फर्स्ट लाइन ला लो। एकदम उतरने यार, एकदम उतरने। जो हम लोगों ने 65 डिग्री दिखाया था वही है ये। होप गोप्रो में दिख रहा है। एकदम धीरे धीरे देखो, पिलियन का पूरा वजन कंधे पे आ रहा है। आलो आलो, डोंट बी गामा इन लैंड ऑफ लामा। परफेक्ट, वेरी वेल सेड। मजा आ गया यार। हे डेंजरस आहे, हे डेंजरस आहे। या साइडला ये, या साइडला ये, सेफर साइड। क्या हो गया मैवरिक? कोई नहीं, कर लेगी तू, डर मत। अरे इससे टफ करेगी तू, मैं हूँ ना तेरे साथ। कुठे लेफ्ट लगे हो? ये सब काम भी करना पड़ता है। ट्रक आ गया सामने से, खींच में आ गया। वे निकलेगा, ओह शिट, पेट्रोल पंप का थका दिया भाई ने। ये सब चीज़ भी, ओह शिट, बोलने को ही नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। हाथ दुखने लगे यार, ये दोनों भी हाथ। यहाँ पे पूरा बाइक का वजन, पिलियन का वजन। टाइम चेक 8:07 हुए, अभी तक सिर्फ 15 किलोमीटर की हमने 15। इस चीज़ का ध्यान रखिए, भले ट्रक आए या बड़ा कुछ भी आए, लेफ्ट साइड पे मत जाना दोस्तों। बोलेंगे जाओ जाओ, दबा और दबाओ, तेरे को जितना दबाना है तू दबा, आप सेफ हो जाओ बस। नदी के एकदम बाजू में आ गए, एकदम नीचे की तरफ। कितने ऊपर थे? 20th फ्लोर के ऊपर, तो समझ जाओ कितना हम लोग ने उतरा होगा। ओ ओ ओ ओ, ओ शिट, उतर, कारण का ती दगड आहेत आणि मध्ये खड्डा आहे। राईट नाही जाणार। गणपती बाप्पा मोरिया, चढण बाकी काय। चल मॅव्हरिक, चल चल मॅव्हरिक, चल मॅव्हरिक चल। हां इकडे थांबूया, थोडा रेस्ट करूया, खालती खूप दगड आहेत। ओ शिट, त्या साइडने झालं पाहता। निघाली फायनली। फक, इकडे थांबूया। रेडिएटर क्या चालू। थैंक यू गणपती अप्पा, थैंक यू। चला चला चला, इजी है, उड़का त्रास देणार नाही। वाइफ को बोला बैठ जा, ना बोल रही है वो। पहली बार उतारा वाइफ को अभी लास्ट 15 किलोमीटर में। ओके, यहाँ पे BRO की कैंप भी है। किले है 246 किलोमीटर। ओ भाई 280 में से 40 किलोमीटर ही हुए अभी तक। 32 किलोमीटर तो अच्छे वाले रोड के हुए, एंड से 15 किलोमीटर ऐसे हुए। तो यहाँ पे थोड़ा रुके थे बिकॉज कॉन्स्टेंटली चला है तो दुखने लगे। एंड यहाँ पे ये BRO की टीम भी थी तो हम दोनों का फोटो ही नहीं आया था यार, तो
तो अपनी बीआरबी टीम ने हेल्प भी कर दिया हम लोग को फोटोज लेने में, तो वो फोटोज भी आ गए अपने। एंड अपनी मैवरिक शी इज परफॉर्मिंग चुम्मेश्वर एक नंबर, क्या गाड़ी परफॉर्म कर रही है, हाईली अप्रिशिएटेड। अभी तक बोल नहीं सकते, पूरी लद्दाख राइड कम्प्लीट होने तो विदाउट एनी इशू तब उसकी तारीफ करूंगा। बाय द वे वी आर करंटली एट 11,000 फीट, वहाँ पे बोर्ड है ये देख लीजिए, ये देख लीजिए कीलीमा करके है एरिया का नाम। एंड ये लोग यहीं पे रहते हैं यार बीआरओ, देखिए हम लोग के लिए क्या क्या कर रहे हैं लोग। एंड नज़ारा, मौसम ठंडा है बॉस, एक नंबर है, एक ही ज़्यादा टाइम पास नहीं कर सकते। अगर आप देख लीजिए जैसे 15 किलोमीटर अचीव किया है मोर देन 45 मिनट्स में, ऐसा रहेगा तो रात के 12 बज जाएंगे देह में पहुंचने के लिए, बिकॉज 160 किलोमीटर ऑफ रोड आई कम्प्लीटली। तो चलो जल्दी से कंटिन्यू करें अपनी राइड इन एक्शन कैमरा। ये व्यू देख लीजिए दोस्तों, अभी ख़त्म हो गया मेरे कैमरा लगाया तो ख़त्म हो गया, पूरा सर के ऊपर माउंटेन्स थे। विजयक ऑलवेज विक्टोरियस, यस, ड्राइव सेफ टू मेक एक्सीडेंट रेयर। ओ शिट, ऐसे सडनली ऐसे ही मोड़ जाता है ना तो नीचे का व्यू ना एकदम डेंजरस है यार, आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो ना कि ऐसे जाओगे। सो अभी तक हम लोग चल रहे थे इस तरफ की माउंटेन में, अभी हमको डाइवर्ट किया गया है ऑन अपोजिट साइड। क्या नज़ारा है दोस्तों यार, सुपर्ब, ऐसा देखने को कहीं नहीं मिलेगा यार। शिट, एक नंबर, मेरे को ऊपर माउंटेन देखना है बट देख नहीं सकता हूँ, नीचे रोड पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर ये रोड एक नंबर बन जाएगा ना मक्खन, जैसे बीआरओ का लोग काम कर रहे हैं, तो ये ब्यूटी को देखने को टाइम मिल सकता है। बाय द वे होप यू आर एंजॉयिंग द इंस्टा 360 शॉट्स। से चलते हैं किचन मदे नको बेचारा, अच्छा लगता है यार ऐसे आदमी लोग को देख के, नहीं तो लोनली चला रहे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं। पीछे हम लोग जहाँ पे रुके थे कैंप में उनके, सो मेनली सब बिहार से है, अभी उनका भी देख लीजिए फैमिली से इतनी दूर यहाँ पे रह रहे हैं। बता रहे थे 2 महीने में एक बार छुट्टी मिल जाती है, 10-15 दिन घर पर जाके आ जाता है। ये देख लीजिए, ये है नया रास्ता टू निराक, यहाँ से चला जाता है, वहाँ पे रफ कर दिया वो लोग ने, वहाँ पे भी रफ कर दिया और ये भी नीचे गिरा हुआ है। सोड़ जड़ असल ना जमनार तुला सोड़ दिपती, वो देखिए वे टू निराक एंड ले, ये भी ले को जोड़ जाता है, सिरसिला पास मिलेगा एंड ये निराक को जाता है, तो ये रोड लेंगे हम लोग। थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे कोई आ रहा है क्या, या गूगल मैप पे भी वेरीफाई कर दे, बिकॉज ये ऐसे रोड से यहाँ पे उल्टा आने को बोले तो हालत ख़राब हो जाएगी, बट ये जंक्शन याद में रखिए। ओ भाई पानी का फ्लो देख लीजिए, वहाँ से आ रहा है पानी। सो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे नेटवर्क नहीं है तो चेक भी नहीं कर सकते, यही पॉइंट है क्या। और वो रहा चॉपर, ओ भाई क्या आवाज़ आ रहा है यार यहाँ पे, हाँ ब्यूटीफुल लग रहा है स्काई एकदम क्लियर। सो वो वर्कर्स थे वो भी नहीं दिख रहे, तो थोड़ा वहाँ पे जाके देखता हूँ कोई दिख रहा है क्या, अदरवाइज ये रोड तो कंफर्म है कि यही रोड है की तरफ आया, बट कोई है नहीं यार यहाँ पे, रास्ता तो दिख रहा है बहुत बड़ा है
उनके गूगल मैप पे भी दिखा रहा है मुझको, जंक्शन रोड टू लिंकशेड करके मैप यहाँ पे है दिखा रहा है, तो मैं यही लोड ले लूँगा बिकॉज यहाँ पे काम भी किया हुआ है। आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे काम भी किया हुआ है और उस तरफ के रोड पे कुछ काम नहीं किया हुआ है। सो ये ऐसे जाके वहाँ पे जा रहा है, तो चलो लेते हैं ये रास्ता। राइट राइट राइट।